कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश से तो भेदभाव किया ही है, जिला कांगड़ा से विशेष करके भेदभाव किया। अभी मैं रास्ते में आते आते विधानसभा के गेट के पास एक बोर्ड पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सुख की सरकार का एक साल बेमिसाल का। तो बेमिसाल सरकार खुद ही अपने आप बन गई है, और जब सरकार सत्ता में इनकी बैठती है तो संगठन को चलाने वाले पीछे हो जाते हैं और सरकार को चलाने वाले कोई और आ जाते हैं। वो संगठन की बातों को मानते नहीं है, लिहाजा यह है कि एक वर्ष के अंदर सरकार ने जो 10 गारंटियों की बात प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश के कर्मचारियों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, प्रदेश के किसानों के साथ जो की थी, उसमें कहीं पर भी दूर दूर तक भी एक वर्ष के अंदर सरकार पहुंचने का कहीं लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी है। मैं आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर खुले तौर पर ही आरोप लगाता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रदेश से तो भेदभाव किया ही है, जिला कांगड़ा से विशेष करके भेदभाव किया है। हिमाचल प्रदेश एक कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी बाहुल प्रदेश है, और जब सत्ता में सरकार को आना था तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम ओपीएस देंगे। कांग्रेस के प्रदेश के नेतृत्व ने ही नहीं, इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश के अंदर आया चुनाव के दिन पर दिनों में प्रचार करने के लिए, उन्होंने भी कहा कि पहली कैबिनेट और पहली फाइल होगी और पहला पेन होगा और पहला सरकार का आदेश होगा। सरकार ने ओपीएस को लेकर के निर्णय किया, हमने कहा बहुत स्वागत योग्य बात है, क्योंकि मैं पूर्व में कर्मचारी रहा हूं, कर्मचारियों का मैंने जिला कांगड़ा का लगभग 22 वर्ष तक प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद आज मैं प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और देश के पूर्व कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया के अंदर करता हूं। मैंने उस नाते कहा था कि हम स्वागत करते हैं कि प्रदेश के अंदर पूर्व जो पेंशन की बहाली है उसको सरकार ने किया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 136,000 कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया, बहुत बड़ा धोखा किया।